हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमें पता है वहाँ पे तीन एंगल्स होते हैं, वो तीन एंगल्स एपी में है। ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। सबसे बड़ा एंगल छोटे वाले एंगल से ट्वाइस यानी कि डबल है। फाइंड ऑल द एंगल्स, सभी एंगल्स कहते हैं पता करें। ऑल एंगल मतलब हमें सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट एंगल है लार्जेस्ट उसे मान लेते हैं ए, जो दूसरा एंगल है बीच वाला उसे मान लेते हैं ए प्लस डी, और जो तीसरा एंगल है लीस्ट सबसे छोटा उसे मान लेते हैं ए प्लस टू डी। ये हमने अज्यूम कर लिया है, हमारे पास ये फर्स्ट एंगल बड़ा छोटा और ये सबसे छोटा एंगल हो गया। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने ये बताया हुआ है कि ए बी है तो मतलब डी डी का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, जो सबसे छोटा एंगल है यानी कि a प्लस टू डी, अगर इसका ट्वाइस यानी कि डबल करते तो ये ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़े एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का ट्वाइस यानी कि डबल हो जाएगा। 2 into a 2a, 2 into 2d 4d इज इक्वल टू a। अब a को इधर ले आइए और 4D को उधर ले जाइए, तो A की वैल्यू आ गई माइनस का 4D। तो ये रिलेशन हमारा बन गया A और D के बीच में। अब हमें बताएं, एक ट्राइंगल में जो एंटीरियर एंगल्स होते हैं उन तीनों का सम होता है 180। तो फिर यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी, A प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 होगा। अब a की वैल्यू माइनस 4d पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो a की जगह पर माइनस 4a पुट कर दें, सॉरी पहले a वाले ऐड कर लेते हैं, a 3a और d प्लस 2d 3d, 3 कॉमन ले लो, a प्लस d इज इक्वल टू 180। तो a प्लस डी मेरे पास आ जाएगा 180/3 यानी कि 60। देखा जाए तो सेकंड एंगल की वैल्यू तो मेरी निकल भी गई। अब अपन a की जगह माइनस 4d पुट कर देंगे इज इक्वल टू 60। ये कटिंग करके 60 आ रहा था और यहाँ पे रीजन लिख देंगे, a की वैल्यू माइनस 4d है, माइनस 4 + 1 - 3। तो जो d की वैल्यू है वो आ जाएगी 60/-3 यानी कि -20 आ गई। डी कॉमन डिफरेंस -20 आ गया। तो अब डी की वैल्यू -20 यहाँ पे अगर अपन पुट कर दें, -4 × -20 तो वी विल गेट -±+, तो 80 आ जाएगा। तो यानी कि जो फर्स्ट एंगल है वो है मेरा 80, 80 + -20 तो 60 रह जाएगा, 20 का डिफरेंस आ रहा है तो ये 40 आ जाएगा। तो मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है वो 80 डिग्री है, बीच वाला 60 डिग्री है और सबसे छोटा एंगल 40 डिग्री है, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था और ये हमारा आंसर डन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।